हाउ टू क्रिएट अ सिक्योर जीमेल एड्रेस। अब जीमेल एड्रेस तो सभी बना लेते हैं, बट एक सिक्योर जीमेल एड्रेस कैसे बनाया जाता है वो आज हम बात करने वाले हैं। एक यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको एक ईमेल एड्रेस की बहुत जरूरत होती है। वैसे तो काफी लोग ईमेल एड्रेस बना लेते हैं, बट भैया जीमेल एड्रेस बना तो लोगे बट उसको सिक्योर कैसे करोगे, उसको ऐसा कैसे रखोगे कि वो जीमेल एड्रेस आपकी हैक ही ना हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि एक जीमेल एड्रेस को सिक्योरली कैसे बनाना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फनटेक, मैं हूं अमन और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक सिक्योर वेरीफाइड जीमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। थोड़ा जीमेल एड्रेस तो सही बना लेते हैं, अगर नहीं बना पाता तो मैं वो भी बताने वाला हूँ कि एक जीमेल एड्रेस कैसे बनाते हैं, वो भी देख लीजिएगा। साथ ही उसके आगे के स्टेप्स भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या करना है। 2 मिनट लगने वाला है, सिर्फ 2 मिनट में आपका जीमेल एड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा आपके यूट्यूब चैनल के लिए। चलते हैं क्रोम ब्राउजर की स्क्रीन पर और देखते हैं कैसे आप एक वेरीफाइड सिक्योर जीमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर की स्क्रीन पर। सो हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने फोन की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे डालेंगे जीमेल साइनअप। जीमेल साइनअप डालने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिख के ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट योर गूगल अकाउंट, गूगल अकाउंट पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये हमसे बोलता है कि आप अपने अकाउंट ऐड कर लीजिए यहाँ से। तो अगर हमें नया अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ से उसको ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा होगा, आप यहाँ पे सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो भाई हम यहाँ पे सिंपली माई सेल्फ पे क्लिक कर देंगे, फॉर माई सेल्फ अपने खुद के लिए चाहिए हमें, तो फॉर माई सेल्फ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद भाई ये बोलता है अपना नाम डाल, यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ पूछेगा और जेंडर पूछेगा, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देते हैं अपनी। तो डेट ऑफ बर्थ है मेरी 2014 मंथ है अप्रैल। और जेंडर में हम अपनी जो भी जेंडर आप वो डाल दीजिए, मेल फीमेल या जो भी हो आप डाल सकते हो, ठीक है। तो सब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर लूँगा। तो उसके बाद ये बोलता है कि यहाँ पे अपनी जीमेल डालो, ये हमारी जीमेल होगी, अगर ये अवेलेबल है तो ये मुझे मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी तो ये मुझे मिल चुकी है क्योंकि ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना है, तो यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देते हैं अपने लोग। तो यहाँ पे कुछ ही पासवर्ड जो है वो मैं डाल के आता हूँ आपको। सो हमने अपने पासवर्ड भी यहाँ पे डाल दिया, उसको कन्फर्म भी कर लिया, तो यहाँ से फिर नेक्स्ट कर लेंगे। उसका आप देख सकते हैं कि हमारी जी मेल एड्रेस यहाँ से बन चुकी है, सिंपली यस आई एम इन क्लिक कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी जी मेल एड्रेस यहाँ पे बन चुकी है, ओके। उसके यहाँ से अग्री क्लिक कर लेंगे। सो गाइस हमारी जी मेल तो यहाँ से क्रिएट हो चुकी है। अब इसको सिक्योर कैसे करना है, वेरीफाई कैसे कराना है, सिंपली हमको वापस आना है होम पेज पे। होम पेज पे वापस आने के बाद सिंपली हम अपने जी मेल को ओपन कर लेंगे यहाँ से। जी मेल को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे मैनेजर अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आप मैनेजर अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह के इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर देखते हैं जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा से पर्सनलाइज लिखा है, इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपली आप सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टू स्टेप वेरीफिकेशन। तो आप सिंपली यहाँ पे टू स्टेप वेरीफिकेशन पे क्लिक कर लेंगे। टू स्टेप वेरीफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको बताता है कि आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पे आप इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेंगे। तो सर यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है जो भी आपने उस टाइम पे चूज किया था, तो यहाँ पे सिंपली अपना पासवर्ड डाल लेंगे। तो यहाँ पे सिंपली ट्राई इट नाउ पे क्लिक कर लेंगे, नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ट्राई इट नाउ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद ये आपके फ़ोन पे एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, आपको सिंपली यहाँ पे यस क्लिक कर देना, तो आपका साइन इन अप्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना एक नंबर डालना है, ठीक है, जिस पे भी आपको कोड चाहिए, पे पास अपना OTP चाहिए, वो नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो नंबर वही डालें जो जिससे जीमेल बनी हुई है, यहाँ पे कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम एक नंबर डाल लेते हैं, ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। उसका सिंपली हमें आप नीचे सेंड का ऑप्शन आ रहा है, सेंड पे बटन पे क्लिक कर लेंगे। सर यहाँ पे बोलेगा कि भाई यहाँ पे OTP डालिए, उसके बाद आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे OTP आ चुका है, OTP यहाँ पे डाल लेंगे। OTP डालने के बाद फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। तो ये बोल रहा है कि आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑन हो चुका है, तो यहाँ से हम इसको टर्न ऑन कर लेंगे एक बार फिर से। तो बस यहाँ से हमारा टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है, तो जिससे आपकी जीमेल एड्रेस बिल्कुल सिक्योर रहेगी, बिल्कुल सेफ रहेगी।
सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो गाइस इस तरह से आप एक जीमेल एड्रेस को वेरीफाई करा सकते हो, सिक्योरली जीमेल एड्रेस बना सकते हो। कोई भी आपकी जीमेल एड्रेस को आपके पासवर्ड भी अगर उसको मिल जाता है तो वो इजीली नहीं ओपन कर सकता वगैरह आपकी मर्जी के। तो गाइस जल्दी जाइए अपने जीमेल एड्रेस को क्रिएट कीजिए, साथ ही साथ न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए अपना बनाइए, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो यहाँ आपको आई बटन पे वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कैसे यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उस पर स्टार्ट कैसे करना है, बिगनिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग में क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है ये भी मैंने बता रखा है। आप सिंपली मेरे चैनल के वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, साथ ही मैं एंड कार्ड पे भी वीडियो दे दूंगा और आई बटन पे भी वीडियो दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय भीम।